हमको लगता है कि वो लड़का वो साइको है, हमको लगता है साइको टाइप का लड़का है वो। लेकिन जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है कि तेज प्रताप यादव एक्चुअल में वो दिल के बहुत साफ से, कि मैं तेज प्रताप यादव जी को मैं बहुत दिन से जानता हूँ, मेरे काफ़ी पुराने ताल्लुकात हैं उनसे। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी को मारपीट। हाँ, वो बेबाक हैं, बोलते हैं और खुल के बोलते हैं। आज ये कटपटा सा जो न्यूज़ चल रहा है मैंने देखा, और मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है, मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है कि ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, और इस व्यक्तिगत राय के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरह से आज मैंने देखा जो सोशल मीडिया पर न्यूज़ फ्लश हो रहा है पूरे बिहार के अंदर, कि श्री तेज प्रताप यादव जी के द्वारा उनके पार्टी के वर्करों की पिटाई की गई, जो उनका आरोप है उनके पार्टी के जो नगर के अध्यक्ष हैं वो, मैं जानता नहीं, मैं नहीं हूँ उनको, खैर बहरहाल, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है किसी पर आरोप लगाना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना। और जहाँ तक हर पार्टी में एक सम्मानित नेता रहते हैं, एक वर्कर और एक पदाधिकारी अपने पार्टी के सीनियर लीडरान पर अगर आरोप लगाए और लाछन लगाए, तो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि इससे राजनीतिक गरिमा, पॉलिटिकल गरिमा की जो खूबसूरती है वो धूमिल होती है। और मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं तेज प्रताप यादव जी को मैं बहुत दिन से जानता हूँ, मेरे काफ़ी पुराने ताल्लुकात हैं उनसे। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी को मारपीट। हाँ, वो बेबाक हैं, बोलते हैं और खुल के बोलते हैं। खैर, उन्होंने उनकी सच्चाई क्या है तो भगवान जाने, लेकिन जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है कि तेज प्रताप यादव एक्चुअल में वो दिल के बहुत साफ हैं, और उस दिन अफ्तार पार्टी में मैं भी था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हम लोग मौजूद थे वहाँ पे। तो मैंने जितना दिन मैं करीब 2-2.5 घंटा वहाँ पे रहा, तो मैं देखा वहाँ लगभग कि तेज प्रताप यादव साथ बैठे रहे, तो खुशगवार माहौल था। उस खुशगवार माहौल को वो अपनी मजलिस को, अपने अफ्तार पार्टी को ख़राब क्यों करेंगे? हमको जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमको लगता है कि वो लड़का वो साइको है, हमको लगता है साइको टाइप का लड़का है वो। और किसी बड़े नेता पर आरोप लगाना आप, ये गलत, मैं मानता हूँ, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय की गलत है, ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए बड़े नेताओं पर।